वेलकम एवरीबडी टू माय चैनल टीआर एडवाइजर्स। आज बात करूंगा कनाडा के टूरिस्ट वीज़े की। आप कैसे अप्लाई करोगे, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टार्टिंग से ऑनलाइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करोगे, स्टार्ट करोगे कैसे एप्लीकेशन, एंड तक कैसे कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो सब फिल करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक जीसी की प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी। आपको सिर्फ साइन अप करना है, वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। वो साइन अप करने के बाद आपको जब स्टार्ट करनी है एप्लीकेशन, वो सारे के सारे मैं बताऊंगा। तो जब आप सबसे पहले आप साइन अप कर लेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन आएगी। तो आपको करना क्या होगा, आपको स्टार्ट एन एप्लीकेशन के नीचे अप्लाई टू कम टू कनाडा पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करोगे उसके बाद ये नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, उस पर आपको आई डू नॉट हैव ए पर्सनल रेफरेंस कोड पे जाना है। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे देखोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, विजिटर वीज़ा, स्टडी और वर्क परमिट, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको आंसर देना है। सबसे पहले रहेगा व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, तो वो फिल करना है। हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग, वो करना है। उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट के साथ मैच करना है अपनी कंट्री। उसके बाद आप कौन सी कंट्री में रह रहे हो वो करना पड़ेगा, रेजिडेंस। उसके बाद क्वेश्चन आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, एक और क्वेश्चन रहेगा वो आपको फिल करना पड़ेगा कि आपका कोई मेंबर, आपका कोई फैमिली मेंबर कैनेडियन सिटीज़न है नहीं है। ये सब फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछेंगे हैव यू लिव्ड इन कनाडा, तो आप नो करोगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद US का पूछेंगे, वो भी नो करना पड़ेगा अगर नहीं है तो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछेंगे, उसके बाद कौन सी प्रोविंस में आप जाना चाहते हो वो फिल कर सकते हो, कोई से भी फिल कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है एक को ही सिलेक्ट करना, कोई से भी कर सकते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा, देन इसके बाद अगेन एक बार कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद फिर सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको फिल करने होंगे, मेन पर्पस क्या है। मैं टूरिज़्म के लिए बता रहा हूँ तो टूरिज़्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लास्ट 10 ईयर्स में लीगली ट्रैवल किया है नहीं किया है, वो येस और नो रहेगा। उसके बाद US का लीगली ट्रैवल किया है नहीं किया है। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट बता रहा हूँ तो डू यू हैव ए जॉब, तो मैं येस बताऊँगा इसमें। उसमें अपने खुद के प्रूफ लगाने पड़ेंगे आपको, प्रूफ ऑफ मींस के, फाइनेंशियल सपोर्ट के। उसके बाद बिजनेस नहीं है कोई, डिपेंड किसी पे डिपेंडेंट हो नहीं हो, लास्ट 10 ईयर्स में ट्रैवल किया है नहीं किया है। उसके बाद किसी फैमिली मेम्बर का वीज़ा है नहीं है, जैसे मैं नो करूँगा। उसके बाद कोई क्राइम कोई किया है नहीं किया है। उसके बाद IRC का मेडिकल करवा रखा है कभी नहीं करवा रखा। उसके बाद एप्लीकेशन अपनी खुद सबमिट करोगे। उसके बाद आप किसी को एक्सेस दोगे नहीं दोगे अपनी एप्लीकेशन का। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स करवा रखे हैं नहीं करवाए कभी, तो नो करूँगा। उसके बाद फीस जो है आप आई विल बी पेइंग, आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कोई स्कैनर कैमरा है डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, येस करोगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए पूछेंगे, आप येस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको सारा का सारा आप चेक कर सकते हो जो भी आपने फिल किया है। इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग यू कैन चेंज राइट नाउ, अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो वो चेंज नहीं कर पाओगे, तो आप चेक करके सारा कंटिन्यू कर दो। देन अगेन आप स्टेप्स बताएंगे वो सबमिटिंग के लिए, वो सारा एक बार देख लो, स्नैपशॉट लेना स्नैपशॉट ले लो, देन अगेन कंटिन्यू कर दो। उसके बाद ये फाइनल चेक लिस्ट रहेगी, उसमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, देन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। जो फॉर्म्स फिल करने हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा, सबसे पहले मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगा क्या क्या होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे फिल करने पड़ते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वो आपका पासपोर्ट होता है, उसमें आपको अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज, लास्ट पेज, कोई भी स्टैम्प पेज है वो सारा एक फाइल बना के आपको अपलोड करनी पड़ेगी। PDF फाइल बना सकते हो आप स्कैन करके। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। उसमें आप बैंक स्टेटमेंट ले लो, अपने बैंक से सर्टिफिकेट बनवा लो, जितनी भी सेविंग है वो लिखवा लो, उसमें FDs हैं वो लिखवा लो, अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर ले लो, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की पे स्लिप्स है वो ले लो, तो आपके एम्प्लॉयमेंट का ऑफर लेटर भी लगा सकते हो। जितने डॉक्यूमेंट्स आप ज़्यादा लगाओगे उतना अपना केस पॉजिटिव बनता जाएगा। आपको कोशिश करनी है आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाओ, अपने प्रूफ ऑफ मीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, बिकॉज़ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वीज़ा लेने के लिए। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा डिजिटल फ़ोटो का। डिजिटल फ़ोटो आप अपने किसी भी नज़दीकी कैमरामैन से खिंचवा सकते हो, जो पूरी की पूरी डायमेंशंस रहेंगी वो आप नोट करके जा सकते हो, वो खिंचवा के आपको डिजिटली अपलोड करनी पड़ेगी। डिजिटली का साइन जो साइज़ होता है 420 बाय 540 पिक्सल्स होता है,
तो वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटो के बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है पर्पज़ ऑफ़ ट्रैवल। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। बेसिकली आपको ये प्रूव करना है कि आप वापस आ जाओगे। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप रिटर्न टिकट बुक करवा के वो अपनी फ़ाइल में लगवा सकते हो, और होटल की बुकिंग पूरा का पूरा प्लान, कहाँ जाओगे, क्या आइटनरी है, वो आपको पूरी बनानी पड़ेगी। उसके बाद मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बना सकते हो, ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो आपको हेल्प करेगा। करेंगे जो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सबसे पहला फॉर्म रहेगा टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म है। उसको कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले यूसीआई नंबर होता है जो दोबारा अप्लाई कर रहा है सेकंड टाइम, उसको ज़रूरत पड़ेगी, आपको नहीं। उसके बाद अपना लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद वीज़ा रिक्वायर्ड किस, जैसे टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा है वो होगा। उसके बाद आपका फुल नेम रहेगा। उसके बाद हैव यू, आपका कोई और नेम रहा है, अगर नहीं रहा है तो सिंपली नो कर दो। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, वो पासपोर्ट से लिख सकते हो। उसके बाद सिटीजनशिप रहेगा। उसके बाद करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सी है आपको भरने के बाद वो पूछेंगे। लास्ट 6 मंथ्स में अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है, कहीं रुके हो, तो वो आपको भरना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो करके आगे जा सकते हो। उसके बाद आपको कंट्री पूछेंगे वेयर अप्लाइंग, आप कहाँ से। अगर आपका सेम है तो आप सेम येस कर दो, वही उठा लेगा जो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है। उसके बाद वो आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, पर्सनल डिटेल्स फिल कर दो, मैरिड है नहीं है, और लैंग्वेजेस कौन सी है, पासपोर्ट डिटेल्स कौन सी है, वो सब आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना नेशनल एंट्री डॉक्यूमेंट जो आपका, आपके पास आधार कार्ड है, वो उसकी डिटेल डाल सकते हो। USP का PR कार्ड अगर नहीं है तो सिंपली नो कर दो। उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, अपनी अपनी करंट मेलिंग एड्रेस जो होगा, आप जहाँ रह रहे हो पूरा पूरा का एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस अगर सेम है तो सिंपली येस कर दो, वो सेम उठा लेगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, अगर आपके पास फैक्स नंबर है वो है, सब डालना पड़ेगा। ये सब डालने के बाद आपके पूछेगा डिटेल्स ऑफ विजिट टू कैनेडा। उसमें आप पर्पस पूछेगा, आप कितने पैसे लेकर जा रहे हो वो पूछेगा, कब से कब ट्रैवल का प्लान कर रहे हो वो पूछेगा। अगर कोई फ्रेंड रहता है वहाँ पे तो फ्रेंड का एड्रेस डाल दो, अगर नहीं है तो होटल का एड्रेस वगैरह डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन आपको अपनी डालनी पड़ेगी, जैसे मैंने अपनी मास्टर्स की डाल रखी है, आप अपनी डाल सकते हो हाईएस्ट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में आप कहाँ जॉब कर रखी है, अगर 2-3 कंपनीज में कर रखी है तो सारी की सारी कंपनीज की डिटेल डालनी पड़ेगी, कंपनी का नेम वगैरह, आपकी डेजिग्नेशन, सब कुछ डालना पड़ेगा। उसके बाद सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे बैकग्राउंड में, वो आपको मोस्ट प्रोबेबली नो ही करना होता है। अगर इसमें कोई येस है तो आप देख के अच्छे से उसको नो और येस में फिल कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडेट करना पड़ेगा फॉर्म। नीचे स्क्रॉल करके देखोगे, वैलिडेट का ऑप्शन रहेगा, साइन आपको अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और डेट डालने के बाद नीचे वैलिडेशन का ऑप्शन होगा। आपको वैलिडेट अगर हो गया तो सब कुछ ठीक है, आप अपलोड कर सकते हो ये फॉर्म। उसके बाद जो फॉर्म रहता है वो सेकंड फॉर्म होता है, उसको फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म कहते हैं। फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, उसमें आपका नेम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, कंट्री ऑफ बर्थ रहेगा, और एड्रेस रहेगा, और नीचे प्रेजेंट ऑक्यूपेशन रहेगी। उसके अगर आपका स्पाउस है तो स्पाउस की डिटेल रहेगी, मदर फादर की डिटेल रहेगी। मदर फादर आपके साथ नहीं ट्रैवल कर रहे तो साइड में कॉलम होगा, उसको भी येस और नो करना पड़ेगा। मदर फादर की भी सेम डिटेल होंगी जो आपकी अब खुद की होंगी, प्रेजेंट एड्रेस होगा, क्या कर रहे हैं। उसके बाद नीचे कॉलम होगा, अगर आपका स्पाउस नहीं है तो आपको सिग्नेचर और डेट डाल के अपने साइन करने पड़ेंगे कि आपकी कोई स्पाउस नहीं है, आप अनमैरिड हो। उसके बाद नीचे देखोगे चिल्ड्रन का कॉलम होगा, अगर चिल्ड्रन नहीं है तो पूरा का पूरा ब्लैंक छोड़ के नीचे सेम एक साइन होंगे कि आपके चिल्ड्रन नहीं है, आपको वहाँ पे साइन और अपनी डेट डालनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट में एक आपको फिर एक साइन और डेट डालनी पड़ेगी, जस्ट इन ऑर्डर टू चेक कि जो भी आपने डेटा दिया है वो करेक्ट है। तो ये बस इतना ही फॉर्म है, आप ये वैलिडेट करके आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद शेड्यूल 1 फॉर्म आता है जो आउटसाइड कैनेडा रहते हैं उनके लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ये प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए होता है, उनका नेम रहता है, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, और सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे मिलिट्री सर्विसेज में कब, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, कोई पॉलिटिक्स में थे, ये नहीं, ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको येस और नो में आंसर करना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट में आपका अगर किसी कहीं ट्रैवल किया हुआ है तो आपको अपना लास्ट ट्रैवल्स जहाँ जहाँ भी किया रखा है वो सारी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो सिंपली नो कर दो। और इसमें आपको लास्ट में बस वैलिडेट करना है, वैलिडेट करने के बाद आपको बस अपलोड कर देना है। तो इस तरह आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके अपलोड करने पड़ेंगे, और फाइनली आपको 185 फीस रहेगी डॉलर्स में, वो आपको अपने क्रेडिट कार्ड से पे करनी पड़ेगी। तो ये था सारा वीडियो एज़ पर द विजिटर वीज़ा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट डाउन कर सकते हो, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो। और आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बटन भी क्लिक कर दो। थैंक यू।